मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 नीलू की क्वेश्चन तथा आंसर जा तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम उसके आगे करते हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए, अपनी CW कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए। जहाँ तक लिखवाए थे जा तक, उसके आगे लिखिए और डेट डाल लीजिए आज की। झा नंबर का जा के बाद झा नंबर का क्वेश्चन लिखिए। पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही, अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। मैंने ये कोटेशन लिख दिया है आपको कि लूसी को सामान मंगवाने के लिए सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। इसका यानी अर्थ आपको स्पष्ट करना है कि कैसे नहीं रही, ये लिखना है। तो उत्तर देखिए, लोगों को जब सामान मंगवाना होता था तब वे लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची व थैला लटका देते थे और वह दुकान से सामान ले आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों की भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। ठीक है, एक बार और मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। देखिए क्वेश्चन, देखिए झा नंबर का, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही, अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लोगों को जब सामान मंगवाना होता था तब वे लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची व थैला लटका देते थे और वह दुकान से सामान ले आती। किसी किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। ठीक है, अब आगे लिखते हैं। यहाँ बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था। एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। बड़े होने पर नीलू कैसा दिखता था। बड़े होने पर नीलू रोम के भूरे पीले एवं काले रंगों के मिलन से जो रंग बना है, एक विशेष प्रकार का धूप छांव हो गया था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। पूंछ अल्सेशियन कुत्ते के समान थी, पंजे भूटिया के समान, मजबूत चौड़े और मुड़े हुए नाखून, आँखों का रंग शहद के रंग के समान था। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं। बड़े होने पर नीलू रोम के भूरे पीले एवं काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था,
एक विशेष प्रकार का धूप छांव हो गया था। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी। पूंछ अल्सेशियन कुत्ते के समान थी, पंजे भूटिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखून, आँखों का रंग शहद के रंग के समान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर का। कुत्ते के दैन से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प के से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है, इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्या है क्वेश्चन? कुत्ते के दैन से रहित और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है, इस कथन के माध्यम से लेखिका क्या कहना चाहती हैं? उदाहरण देकर समझाइए। आंसर लिखिए। इस कथन से लेखिका का तात्पर्य है कि नीलू प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता था तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए सामने भी नहीं आता था। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। इस कथन से लेखिका का तात्पर्य है कि नीलू प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता था तो वह उसकी ओर देखता तक भी नहीं था। खाना तो दूर की बात थी, यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए सामने भी नहीं आता था। ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। और आपका होमवर्क है कि आपको कॉपी अपनी कंप्लीट करना है, क्लास वर्क कॉपी। ठीक है।